सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 15 अगस्त स्पेशल फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। गाइज आप लोगों को पता होगा कि अगले महीने 15 अगस्त आने वाला है, कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल यानी 15 अगस्त स्पेशल फोटो एडिटिंग बना के डालूँ, ताकि फिर आप बाद में कमेंट ना करें। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। तो गाइज वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला, तो वीडियो को जरूर से लाइक एंड गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो देन गाइज आ जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे टूल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में गाइज आप लोग ऊपर क्रॉप वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और इधर के स्क्रॉल करना है तो आप लोगों का पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है और इसको ऐसे कर देना राइट। ओके अब आप लोगों को पैसे टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से रिसर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में ऐसे इसको रिसर्च कर लीजिएगा। ओके अब करने के बाद में गाइज आप लोग को एड फोटो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और ऐसे पीएनजी को ऐड कर लेना। गाइज सभी मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लेना। सिंपल है जी वाला पीएनजी को कर लेना और यहाँ से कर देना ऐड और इसको फुल साइज कर देना है अपने बैकग्राउंड के पे। ओके अब यहाँ से कर देना डन, फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सॉरी ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और ऐसे एक पीएनजी को और ऐड कर लेना। सो देन का जी वाला पीएनजी को ऐड कर लेना, करने के बाद में इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा, थोड़ा से और बार साइज को बड़ा कर लेता हूँ। ओके अब यहाँ से कर देना डन, हल्का सा नीचे, अब यहाँ से कर देना डन। गाइज फिर से टूल वाले ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और करने के बाद में पीएनजी को ऐड कर लेना। गाइज सो देन गाइज ये वाला पीएनजी को ऐड कर लेना, इसको ऊपर की तरफ ऐड कर देना, इसकी साइज को हल्का सा इंक्रीज। ओके अब यहाँ से कर देना डन। गाइज फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और करने के बाद में ऐसे गलत पीएनजी को ऐड कर लेना। सो देन गाइज ले लेने के बाद में इसको साइज को बड़ा कर लेना और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना। ओके अब करने के बाद में ऐड फोटो वाले ऑप्शन देना है और एक और फोटो को ऐड कर लेना है। सो देन का जी वाला फोटो को ऐड कर लेना और करने के बाद में इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना और इसको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, इसको मूव डाउन कर देना है। ओके अब करने के बाद में इसको एडजस्ट कर लेना। ओके अब यहाँ से कर देना राइट, फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ से एक फ्लैग पीएनजी को ऐड कर लेना है। अपनी फोटो को जूम कर लेना, इसको यहाँ पे इसके हैंड पे एडजस्ट कर देना और ऊपर आप लोग इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सॉरी इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से इसको इरेज कर देना। ओके अब यहाँ से कर देना डन, यहाँ से भी कर देना डन, फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से एक और पीएनजी को ऐड कर लेना। ओके गज्जी वाला पीएनजी को ले लेना, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना और करने के बाद में गाइज इसका एक डुप्लीकेट लेयर और क्रिएट कर लेना। और करने के बाद में आप लोग रोटेट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसको रोटेट कर देना है। ओके अब यहाँ से भी कर देना डन, अगेन पीछे टूल वाले ऑप्शन ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और एक और पीएनजी को ऐड कर लेना। सो का जी वाला पीएनजी को ले लेना, लेने के बाद में इसके अपने यहाँ पे कपड़ों का बराबर एडजस्ट कर दीजिएगा। ओके अब आप लोगों को इधर की तरफ आना है, कहते आप लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और करने के बाद में इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। और ऊपर आप लोगों को इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना और करने के बाद इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, हार्डनेस को कम कर लेना, साइज को इनक्रीज और कुछ इस तरह से इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। ओके अब यहाँ से कर देना डन और यहाँ से भी कर देना डन। गाइज यहाँ से अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर जैसे तो काफ़ी बढ़िया मेरी फोटो यहाँ से बन चुकी है। फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और कर देने के बाद में गाइज यहाँ से एक पीएनजी को ऐड कर लेना, तो ये वाला ऐड कर लेना। करने के बाद में इसको साइज को बड़ा कर लेना, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना और इरेज वाले ऑप्शन में जाना और इस वाले पीएनजी को इरेज कर देना। ओके अब इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना, करने के बाद क्लिप रोटेशन वाले ऑप्शन में जाना, क्लिप रोटेशन को घुमा देना है। ओके अब यहाँ से कर देना डन, इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके अब यहाँ से कर देना डन, अगेन गाइस फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और करने के बाद में यहाँ से एक पीएनजी को और ऐड कर लेना। सो देन गाइस जी वाला पीएनजी को ऐड कर लेना, करने के बाद में उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना
और ऐसे कर देने का है। फाइनली का जितना कर देने के बाद मैं ऐसे अपनी फोटो बिफोर एंड आफ्टर देती तो काफ़ी मस्त मेरी फोटो ऐसे बन चुकी है। अब गाइस इधर की तरफ आना है, इस फोटो को ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन में जाके इस फोटो को ऐसे ड्रॉ टूल में जाना है, थर्ड ड्रॉ टूल ऑप्शन में जाके इस फोटो को ऐसे सेव कर लेना है। और एक कलर ग्रेडिंग वाला काम हम स्नैपचैट सॉरी लाइट रूम के अंदर ही करने वाले। लाइट रूम एप्लीकेशन में जाने के बाद में आप लोगों को ऑल वाला फोटो वाल ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में गाइस आप लोगों को प्रीसेट मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। करने के बाद प्रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और कर देने के बाद में गाइस ऊपर आप लोगों को थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी गाइस आप लोगों को ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में गाइस आप लोगों को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और सिंपली गाइस आप लोगों को जितनी भी सेटिंग है इनको सेलेक्ट कर लेना है, ओके ये जितनी भी सेटिंग है इसको कॉपी कर लेना है और ऐसे कर देना राइट। अगेन फिर से आप लोग ओरिजिनल वाले फोटो पे क्लिक कर देना है और ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में आप लोगों को पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे पे सेटिंग करोगे तो आपकी फ़ोटो काफ़ी मस्त ऐसे एडिटिंग हो जाएगी वन क्लिक के अंदर। अगर आप चाहो तो और कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग ब्लू कलर को हल्का सा इंक्रीज कर लेना, इसको भी इंक्रीज कर लेना, येलो को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो इसको भी के ओके। अगर यहाँ से अपनी फ़ोटो को बिफोर एंड आफ्टर देखें तो काफ़ी मस्त मेरी फोटो यहाँ से बन चुकी है। गए आप लोग को ऊपर थर्ड शेयर वाले ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना। और करने के बाद में गए आप लोग यहाँ पे सेव टू डिवाइस का ऑप्शन देख रहे हो, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना।